हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रेजी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आज मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M12 फोन। इस फोन का दोस्तों कैमरा फीचर्स के साथ साथ कैमरा रिव्यू भी करने वाले हैं। यहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और दोस्तों बताएंगे इस फोन से किस तरीके का पिक्चर एंड वीडियोज आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं। तो फ्रेंड्स, रियर कैमरा की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल है मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा इंटरफेस की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से कैमरा इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से पोर्ट्रेट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। और सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया गया, आप अपने हिसाब से 2 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड सेट कर सकते हैं। फ्रेम दिया गया है यहाँ पे 3:4, 9:16, 1:1 या फिर दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन स्मूथनेस का ऑप्शन दिया गया है, आप अपना स्क्रीन को स्मूथ वगैरह करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं जो कि मैं इसी फोन का पोर्ट्रेट मोड से लिया हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो मोड देखने को मिल जाता है। फोटो में भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में दोस्तों आपको वही सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। ओके, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन या फिर ऑफ या फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइमर का भी ऑप्शन दिया गया है, 2 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड चाहिए या फिर 10 सेकंड चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम दिया गया है, आप देख सकते हैं 3:4 में यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से फ्रेम को सेट कर सकते हैं, फुल फ्रेम भी करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एरो में आप अगर जाते हैं तो फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर को एडजस्ट करके यहाँ पे चेंज करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और फेस के ऑप्शन में भी दोस्तों यहाँ पे आपको स्मूथनेस आ जाएगा और ब्यूटी वगैरह इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों 10x तक भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो कि मैं इसी फ़ोन के रियर कैमरा से लिया हूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल से और नॉर्मल मोड से और यहाँ पे 10x करके। वीडियो की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो में भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन मिलता है और सेटिंग में वही सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम दिया गया है, यहाँ पे आप दोस्तों फ्रेम देख सकते हैं 9:16, 1:1 या फिर फुल स्क्रीन फ्रेम पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी दोस्तों यहाँ पे फुल HD 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप वीडियो देख पा रहे हैं फुल HD 30 FPS में रिकॉर्ड किया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M12 से। और दोस्तों यहाँ पे फोकस वगैरह काफ़ी सही हो जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये शाम का टाइम का वीडियो है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये मैं फुल HD 30 FPS में रिकॉर्ड किया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M12 से। और दोस्तों यहाँ पे आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ये मैं दोपहर को लिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही आ जा रहा है और स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। और फ्रेंड्स ये वाला जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये काफ़ी रात का वीडियो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलता है रात को भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर वगैरह सेट कर सकते हैं। और फेस का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे फेस को इनेबल करके यहाँ पे स्मूथनेस वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आखिरी में मोड का ऑप्शन मिल जाता है। मोड में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो मोड में आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, मैक्रो है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं जो कि मैक्रो पिक्चर्स क्लिक किया हुआ है। पैनोरोमा मोड देखने को मिल जाता है और फुट का भी मोड मिल जाता है, जिसपे दोस्तों आप पिक्चर वगैरह क्लिक करके एक अच्छा सा फील ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं ये मैं इसी फ़ोन से नाइट में शूट किया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से नाइट में पिक्चर निकल के आता है।
तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से सैमसंग गैलेक्सी M12 में पिक्चर्स और वीडियो निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है मन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ। और ये फ़ोन आपको अगर बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।